विधानसभा चुनाव आचार संहिता से पहले नगर परिषद जुटा तैयारियों में। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी उमेश बैराणी, आप जुड़े हैं अशोक से राह फेसबुक पेज से। साथियों, इस वक्त आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं बाड़मेर शहर के अलग अलग जगहों की है, जहां पर इन दिनों राजस्थान में कुछ ही दिनों बाद विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने वाली है और आचार संहिता से पहले जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं वो चुनाव की तैयारियों में तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। और इस वक्त की जो तस्वीरें देख रहे हैं बाड़मेर के सर्किट हाउस के पास की, जहां पर अलग अलग पार्टियों के जो प्रचार के लिए जो बैनर लगे हुए थे, पोस्टर लगे हुए थे, उन पोस्टरों को हटाया जा रहा है ताकि अगली आचार संहिता जो लग रही है, विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग रही है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी जो है प्रचार प्रसार किसी भी रोड पे या रोड के किनारे कोई पोस्टर लगे हुए नहीं होने चाहिए। इसको लेकर लगातार जो है नगर परिषद अपनी तैयारियों में जुट गया है। नगर परिषद अपने अलग अलग उपकरण लेकर अपनी टीम को लेकर जो है वो तैयारियों में जुट गए हैं। जहाँ जहाँ शहर में जहाँ जहाँ पोस्टर लगे हुए हैं या शहर के अन्य जगहों पर जहाँ जहाँ पोस्टर लगे हुए हैं, उन पोस्टरों को लगातार हटाया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं बाड़मेर के जो ये ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर लगातार जो है वो पोस्टर लगे हुए थे, उन पोस्टरों को भी जो है वो हटाया जा रहा है। स्प्रे पानी के स्प्रे से जो है वो पोस्टरों को हटाया जा रहा है। नगर परिषद पिछले कुछ दिनों से लगातार विधानसभा चुनाव आचार संहिता से पहले अलग अलग पार्टियों के जिस तरह से जो बैनर लगे हुए थे, पोस्टर लगे हुए थे, गली मोहल्लों में पोस्टर लगे हुए थे और कॉलेजों पे अलग अलग जगहों पे जहां पर सार्वजनिक जगह हैं वहां पर लगातार जो हैं वो पोस्टर लगाए जा रहे थे, उन पोस्टरों को अभी हटाया जा रहा है। ये खबर बाड़मेर की दिखा रहा हूँ और बाड़मेर के अंदर पूरे राजस्थान में जो है इस वक्त लगातार जो अलग अलग पार्टियों के बैनर लगे हुए हैं उन बैनरों को हटाया जा रहा है। ये तस्वीरें बाड़मेर के ब्रिज की है, जहां पर आप देखिए किसी भी तरह का कोई भी जो है पोस्टर लगा हुआ नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का जो प्रचार प्रसार है पार्टियों की ओर से, उनका जो है पोस्टर लगा हुआ नहीं होना चाहिए, जिसको लेकर नगर परिषद जो है पिछले कुछ दिनों से लगातार अपनी तैयारियों में जुट गया है।